तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो आप देख ही रहे हो, हमारा सेटअप क्या है, एक बेस रखी है, डबल फ्रंट बेस है दोस्तों ये। और हमारा यहाँ पर 200 वाट का एम्पलीफायर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे इसमें ये सबवूफर लगे हैं दोस्तों, ढाई ढाई इंच के। और ये जो है हमारा प्योर देख सकते हो वुडन में बना हुआ है, MDF बोर्ड का ये बना हुआ है दोस्तों। अगर मैं इसकी आपको मोटाई बताऊं तो जितना मोटाई ये है हमारा, जितनी मोटी प्लाई आपको ये है दिख रही है, तो इतनी दो बार और लगा लेना तो लगभग दोस्तों मैं आपको नाप कर दिखा देता हूं। ये हमारी इसमें लगी हुई है पूरी 1 सेंटीमीटर मोटी जो प्लाई लगी हुई है इसमें MDF बोर्ड की, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कटिंग है जिसके ऊपर ये रुका हुआ है पीस। ये भी MDF बोर्ड ही है, पर ये जो है हल्का है दोस्तों। ये सिंगल स्पीकर था इसमें 3 इंच का, मैंने आपको पहले दिखाया था, ये वही है सेटेलाइट स्पीकर था। तो दोस्तों अभी इसका मैंने ये हिस्सा बाहर निकाल दिया था, इसका स्पीकर जो है वो हमारा ख़राब हो चुका है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है इसका जो स्पीकर है दोस्तों, अच्छी खासी क्वालिटी में था, ये भी मैगनेट भी ठीक ठाक थी इसकी। बस ये फूक चुका है हमारे इसी एम्पलीफायर से फूका दोस्तों। इनके मुकाबले ये हल्का है, पर ये 2.5 इंची हैं फिर भी ये तकड़े हैं इसकी मुकाबले। इसकी मैग्नेट भी इतनी ज़्यादा तकड़ी नहीं जितनी इनकी ज़्यादा है, इसकी कॉइल भी मोटी है, इसकी कॉइल इतनी मोटी नहीं है। तो ये फूक गया था, तो इसको रखते हैं साइड में। अब दोस्तों ये फुल्ली एयर टाइट है, इसमें पैसिव रेडिएटर तो नहीं लगा है, लेकिन अभी भी ये एयर टाइट है, देख सकते हो। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर फ़र्क दिखेगा, देखिए दोस्तों, आपने अगर ध्यान से देखा होगा जब मैं इसे दबा रहा था तो इसमें भी अंतर आ रहा था। तो आज दोस्तों इसी की टेस्टिंग करने वाले हैं, साउंड चेक करने वाले हैं कैसा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों पहले हमारे स्पीकर जो लगे थे वो प्लाई की बॉडी में लगे थे, और दोस्तों उसमें पीछे के लिए इतना स्पेस नहीं था, पीछे को इसमें बहुत स्पेस है दोस्तों, देख सकते हो पूरा ये है हमारा 12 सेंटीमीटर पीछे को, 12 सेंटीमीटर लंबा है पीछे की ये। तो आज इसके जो है हम साउंड चेक करने वाले हैं, आज ये MDF बोर्ड में है। तो दोस्तों एम्पलीफायर को करते हैं ऑन, कनेक्शन मैंने कर ही रखे हैं। तो हमारा ऑन हो चुका है, तो दोस्तों ये हमारा मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है, इसका वॉल्यूम बाद में ही बढ़ाएंगे, अभी हल्का रखते हैं। तो आप फटाफट एक सॉन्ग प्ले कर लेते हैं, तो करते हैं इसमें एक सॉन्ग प्ले, नोट को प्राइड सॉन्ग है दोस्तों, NCS म्यूजिक। अब इसका धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ाते हैं, साउंड काफ़ी अच्छा है। बेस एकदम धांसू आ रही है, पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बेस है इसमें इस टाइम पर, क्योंकि दोस्तों इसकी कहीं भी एयर जो है मतलब बाहर नहीं निकल रही है, तो फुली एयर टाइट है इस। दोस्तों फुली एयर टाइट होने का यही फ़ायदा होता है, साउंड एकदम बनकर आते हैं। और दोस्तों ये फिर ऊपर से जो है ये पूरा वुडन में है, MDF बोर्ड इसमें लगा है, तो एकदम धांसू साउंड हमारे आ रहे हैं। एक अब जो है हम इसमें एक ऐसा सॉन्ग प्ले करने वाले हैं जो अच्छे खासे साउंड में हो DJ में, तो करते हैं दूसरा सॉन्ग प्ले। Oh,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ टेस्टिंग में मजा आया होगा। दोस्तों टेस्टिंग बताना कमेंट करके, अगर थोड़ा सा ही मजा आया टेस्टिंग में तो एक लाइक कर देना वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पर जो भी ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे होगा क्या ऐसी कोई मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों बताना कमेंट करके ये बेस आपको कैसे लगी, इसके साउंड कैसे लगे, कमेंट एक जरूर छोड़ना दोस्तों। तो मिलता हूँ ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में।